रेशम का जनरल साइंस का सबक अतराफ में पाए जाने वाले मादे हालात और खसूसियात इस सबक का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है तो मादे के हालतें और चीजों पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा नाम मुदस्सिर खान है। आज हम लोग जो है तो सबक के बारे में अतराफ में पाए जाने वाले मादे हालात और खसूसियात, इस सबक के दो हिस्से किए गए हैं, अतराफ में पाए जाने वाले मादे हालात और खसूसियात। तो हालत और मादों के हालत और खसूसियात इस सबक में जो है तो हम लोग मादे की हालतें कौन सी होती है और मादे की खसूसियात क्या होती है उस सबक को जो है तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। कोशिश करना है आप लोगों को कि गौर से ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आती मैं आपको वक्त दूंगा सवालात पूछने के लिए, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने अक्सर देखा है कि चौक ईट इसी तरह से फिटकरी शीशा लड्डू वगैरह जैसे कुछ अशिया पर अगर हम दबाव डालते हैं या उसको दबाते हैं तो हमने देखा है कि वो टूट जाती है, यानी वो छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे जर्रों में जो है तकसीम हो जाती है। ऐसी अशिया को जो है तो हम फुटक अशिया कहते हैं। फुटक अशिया कहते हैं मतलब फूटने वाली अशिया को जो फूट जाती है, जिनको जो है तो दबाने से प्रेस करने से या फिर उन पर जो है तो दबाव डालने से जो है तो छोटे छोटे जर्रात जो है तो तकसीम हो जाती है, ऐसी अशिया को हम लोग फुटक अशिया कहते हैं। और ये शय की खसूसियात को, इस शय की खसूसियत को जो है प्रॉपर्टी को फुटकपन कहते हैं, यानी ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ये मादे की पहली खसूसियात ये है कि जो भी मादा जो होता है, तो हमको इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मादा जो होता है उसकी एक पहली खसूसियत ये भी है कि वो फूटने वाला होता है, यानी वो फूट जाता है। आपने चौक देखा है, आपने फिटकरी देखा है, आपने बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें जो है तो देखी होंगी, ईंट वगैरह देखी होंगी, उसको दबाते हैं पत्थर से तोड़ते क्या होता है वो टूट जाए। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक शीशा है उसको अगर हम जर्ब लगा रहे हैं या किसी चीज से तोड़ रहे थे, देखो आप लोग देख सकते हैं कि जो है तो वो बारीक बारीक टुकड़ों जो है तो वो टूट जा रहा है। तो मादे की इस खसूसियत को जो है तो जो मादे की जो पहली खसूसियत है इसको जो है तो हम क्या कहते हैं, फुटकपन कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरी खसूसियत देखते हैं उसकी। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक आदमी है और वो जो है तो किसी हथौड़े से एक लकड़ी में जो है तो कील को ठोक रहा है, ठीक है। क्या समझ में आता है हमारे, आसानी से अगर कील चली जाती है उसमें तो हम लोग कहते हैं कि ये चीज नरम है, और अगर उसमें आसानी से कील नहीं जाती है तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये चीज जो है तो क्या है, बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है। तो जो शय किसी शय में उसमें दाखिल होने वाली किसी दूसरी शय की किस हद तक मदाफियत करती है, यानी कोई शय हम कोई कील है अगर हम उसको जो है तो किसी मकवे में डाल रहे हैं, किसी जो है तो किसी चीज में जो है तो उसको अगर हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है हमारे, हमारे समझ में आता है कि वो शय या तो सख्त है या वो शय नरम है। आप लोग तजुर्बा कर सकते हैं अपने घर पे, कोई आटा अपने कोई आटा लो, आटा लेने के बाद में उसमें कील तो कील डालकर देखो, गीला आटा लो उसमें कील डालकर देखो, क्या महसूस होगा आपको, आप देखेंगे कि वो कील बड़ी आसानी से उसमें चली जा रही है, लेकिन वही कील
आप जो है तो किसी लकड़ी में जैसे आटे में डाले थे वैसे डाल सकते हैं क्या आप लोग, बताओ बच्चों डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं आप लोग? क्योंकि वो शय जो है तो सख्त है जबकि गीला आटा नरम है। ठीक है, तो किसी भी शय मादे की दूसरी खासियत यह है कि वो या तो सख्त होती है या वो नरम होती है। तो सख्ती का इनहिसार होता है किसी भी शय पर, मुदाफियत करती है इसको जो है तो हार्डनेस कहते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक शख्स जो है तो वो कील को जो है तो एक लकड़े में डाल रहा है। अब वो लकड़ा कितना सख्त है कितना जो है तो नरम है ये उसकी सख्ती पर इन्हिसार करता है। अगर वो सख्त है तो उसको जो है तो हमको तकलीफ होगी कील टोकने के लिए, बराबर। अगर वो नर्म है तो हम बड़ी आसानी से, अगर वो नर्म है तो हम बड़ी ही आसानी के साथ में जो है तो क्या कर सकते हैं उसको, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बड़ी आसानी के साथ में जो है तो उसमें जो है तो ठोक सकते हैं। ये जो है तो उसकी दूसरी दूसरी खुशियात सख्ती। तो हम तीसरी खुशियात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी खुशियात है हमारी, देखो तस्वीर में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। एक शख्स क्या कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि वो जो है तो एक रबर बैंड को जो है तो अपने अपने दोनों हाथों से खींच रहा है। ठीक है, तो कुछ अशिया को खींचने या उन पर दबाव डालने पर उनकी शक्ल बदल जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको खींचने पर या जिनको जो है तो दबाव डालने पर उनकी शक्ल क्या हो जाती है, बदल जाती है। आपने रबर बैंड का इस्तेमाल किया है अपने घर पे, करते कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग खींचते हैं उसको तो उसकी हालत बदल जाती है। लेकिन जैसे ही जो है तो हम उसको उस पर जो है तो उसको जो है तो छोड़ देते हैं वो अपनी असली हालत में आ जाती है। इस खसूसियात को जो है तो हम क्या कहते हैं, लचक कहते हैं। क्या कहते हैं इस खसूसियात को, लचक या इलास्टिसिटी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो लचकदार होती है। लचक का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि रबर बैंड को अगर हम उस पर दबाव डाल रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो वो जो है तो क्या होता है कि जो है तो उसकी शक्ल में तब्दील आ जाती है। तो ये तीसरी जो है तो खसूसियात है मादे की। कितनी खसूसियात है मादे की? तीसरी खसूसियात है। तो लचक यानी इलास्टिसिटी जो होती है ये जो है तो मादे की तीसरी खसूसियात है। तो मादे की इस खसूसियात का इस्तेमाल करके जो है तो बहुत सारी जो है तो चीजों को जो है तो हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रबर बैंड वगैरह का मुशाहिदा किया होगा कि उसको जो है तो उसको जो है तो हम लोग उसको जो है तो हम लोग मादे की जो है तो ये खसूसियात कहते हैं और ये मादे की जो है तो तीसरी खसूसियात है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अपनी अगली मादे की जो दूसरी खसूसियात है अगली खसूसियात है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को इस बात का इल्म है कि मायात हमेशा ढलान जो 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 ढलान वाली सतह जो होती है, ढलवान वाली जो सतह होती है उसको ही जो है तो ढलवान वाली जो सतह होती है कभी आपने देखा है कि नदी का पानी पहाड़ पर चढ़ चढ़ देखे कभी आप लोगों ने? नहीं देखा है। कभी भी नदी का पानी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ता है बल्कि हमेशा पहाड़ के नीचे की जानिब बहता है। किस जानिब बहता है हमेशा ये पहाड़ की? किस जानिब बहता है? पहाड़ की ढलान जो है तो ढलान भी ढलान की जानिब बहता है। इस खसूसियात को जो है तो सैलानियत कहते हैं। क्या कहते हैं इस खसूसियात को? सैलानियत कहते हैं, फ्लुइडिटी कहते हैं। तो जितने भी जो मायात होते हैं और जितने भी जो लिक्विड्स होते हैं वो हमेशा ढलान की जानिब बहते हैं, स्लोप की जानिब बहते हैं, कभी भी ऊपर नहीं चढ़ते। आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, आप लोग तस्वीर देख रहे हैं कि जो है तो जा रही है
और वो हमेशा जो है तो देखिए धारण किया नहीं बह रही है, आप देख रहे हैं शहर को आसानी से बहता है। तो कोई माए कितनी जो है तो कुछ कुछ बच्चे हाथ आ रहे हैं, मैं उनको मौका थोड़ा ये दो पॉइंट्स क्लियर करने दो, फिर मैं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का। तो कुछ जो है तो माया जो होते हैं वो कितने कितने जो है तो कोई माए जो है तो कितनी आसानी रहता है इस पर उस माए की सैलानियत मुंशिर होती है, यानी वो जो है तो कोई कोई माए आपने देखा हो गाढ़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो मिसालें तस्वीर में बताया आपको, आप लोग दो मिसालें देख सकते हैं। एक मिसाल जो है तो ये किसकी मिसाल है, देखिए पानी की, पानी थोड़ा जो है तो पतला होता है शहद की बनिस्बत, शहद जो है तो पानी की तरह बहेगा क्या, नहीं बहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो है तो उसकी जो है तो कसाफत ज्यादा होती है, और देखें आपने क्योंकि शहद जो है तो गाढ़ा होता है और पानी पतला होता है, तो ये सैलानियत यानी फ्लूडिटी वो कितनी आसानी से बहता है ये भी जो है तो माए की खसूसियात है। इस खसूसियात जो है तो सैलानियत कहते हैं, यानी सैलानियत जो है तो मादे की खसूसियात है, आप तस्वीर में उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट अगली जो है तो हम लोग खसूसियात पढ़ते हैं मादे की। देखिए अगर हम मसावी जिसामात से एक लकड़ी और दूसरा लोहे का टुकड़ा ले, दो साइड दोनों एक साइज के, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और एक लोहे का टुकड़ा लेना है, और दोनों वजन की पैमाइश की जाए, तो बताइए लोहे और लकड़ी के टुकड़े के वजन में क्या फर्क नजर आएगा। हम कहेंगे कि लोहे का टुकड़ा जो है तो वो लकड़ी के टुकड़े से वजनी होता है, क्या होता है, वजनी होता है। तो इसी तरह से हमारा जवाब होगा कि लोहे का वजन लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा है, एक जैसे हजम की मुख्तलिफ अशिया की कमियत यानी वजन की वजह से उनकी कसाफत तय होती है, एक ही जो है तो एक जैसे हजम के, एक जैसे जो है तो हजम खेल रहे हैं वो उनकी कसाफत तय होती है। जैसे हम लोग देख तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, देखिए एक डार्क पिंक है दूसरा जो है तो लाइट पिंक है, इसमें से फर्ज करो जो है तो एक लोहे का है और एक लकड़ी का है, ठीक है, तो इसको इसको जो है तो हम लोग इसको इसको जो है तो हम लोग लोहे का बना देते हैं, ये फर्ज करो ये लोहे का है, किसका टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, और इसको बना देते हैं हम लोग लकड़ी का टुकड़ा, दोनों भी एक ही जैसा मत के है, कैसे दोनों भी एक ही जैसा मत के है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा भी और लोहे का टुकड़ा एक ही जैसा, लेकिन लेकिन हम लोगों को क्या फर्क, क्या महसूस, क्या हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि हमको ये मालूम है कि लोहे का टुकड़ा जो होता है वो वजनी होता है, कैसा होता है, जसामत की है, लेकिन लोहे का टुकड़ा क्या है, वजनी है, वजन में उसका वजन ज्यादा है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा कैसा है, लकड़ी का टुकड़ा हम देख रहे हैं कि ये हल्का है, किससे हल्का है, ये लोहे के टुकड़े से, किससे हल्का है, ये टुकड़े जो है तो हल्का है। तो मसावी जसामत के भी दोनों भी जसामत, दोनों की जसामत जो है तो मसावी है, तो मसावी जसामत की ज्यादा कसावत वाली अशिया यानी जिसमें ज्यादा मादा भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें ज्यादा मादा भरा हुआ है, ठीक है, तो अशिया ज्यादा वजनी होंगी और कम कसावट वाली अशिया हल्की होती है, कम कसावट वाली अशिया क्या होती है, हल्की होती है, तो कसावट की भी खसूसियात की वजह से जो है तो होता है ये फर्क अभी तक हम लोगों ने इसमें समझा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्यारे बच्चों, कभी आप लोगों ने घर पर शरबत बनाया होगा,
बनाए कभी शरबत? कभी आप लोगों ने जो है तो मीटिंग जैसे हमारी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग देखते हैं कि हम अक्सर करके अपने घर में जो है तो हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसमें चाय डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं। जब चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं उसमें, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि चाय बनाते वक्त चाय में जो है तो शक्कर हल हो जाती है। क्या हो जाती है? शक्कर हल हो जाती है। शक्कर क्या हो जाती है? चाय में हल हो जाती है। और हम लोग जो है तो नमक डालते हैं पानी में, जैसे तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि हमने उसमें नमक डाला है। देखो तस्वीर में देख रहे हैं, हम तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि हमने पानी में नमक डाला, नमक क्या हो गया? पानी में हल हो गया। देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या हो गया, उसमें हल हो गया, पूरी तरह से जो है तो वो मिक्स हो जा रहा है। तो कुछ चीजें पानी में हल होती है, कुछ चीजें पानी में हल नहीं होती। जो चीज पानी में हल होती है उनको हल पजीर अशिया कहते हैं, जो चीजें पानी में हल नहीं होती उनको जो है तो ना हल पजीर अशिया कहते हैं, सॉल्युबल जो है तो उनको कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नमक शक्कर ये पानी में जो है तो हल होने वाली अशिया है। तो इन अशिया का इस्तेमाल करके, हल होने वाली अशिया का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे जो है तो मशरूबात, बहुत सारे जो है तो ड्रिंक्स बना सकते हैं। तो ठोस की इस खुसूसियत को जो हल पजीरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हल पजीरी कहते हैं, इसको जो तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये जो है तो मादे की जो है तो हमारी एक खसूसियत भी है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ। देखिए तस्वीर में हमको एक खिड़की है, खिड़की में से हमको बाहर का पानी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है हमको, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि खिड़की के बीच में कांच है, बीच में कांच है, लेकिन हमको बाहर का दिखाई दे रहा है। बाहर का क्या नजर आ रहा है हमको? दिखाई दे रहा है। तो इस खुसूसियात को, जिस शय में से देखने पर दूसरी जानिब की चीज साफ नजर आती है, उस शय को शफाफ शय कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्योंकि उसमें से हमको बाहर की चीजें कैसी नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है। तो शय की इस खुसूसियात को हम शफाफियत कहते हैं। क्या कहते हैं? शय की इस खुसूसियत को शफाफियत कहते हैं। मसलन शीशा होता है, मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक होते हैं, साफ पानी है और हवा वगैरह जो है तो ये शफाफ चीजें। कैसी चीजें? ये शफाफ चीजें हैं, इनको जो है तो हम ट्रांसपेरेंट थिंग्स कहते हैं। और इस खुसूसियत को, मादे की इस खुसूसियत को शफाफियत कहते हैं। ये भी मादे की एक खुसूसियत है कि अगर कोई मादा है, जैसे शीशा, हवा, ये भी मादा ही है, तो इसमें से हमको आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है ना। हम लोग गाड़ी में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो ड्राइवर के सामने जो है तो आपने देखा है कांच लगा होता है, उसको सामने कैसा जो है तो नजर आता है, ठीक है, बीच में लेकिन कांच है। तो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, ये जो है तो शय की खुसूसियात है, इसको जो है तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें अभी हमने पढ़ा है, जैसे फुटकपन,
सख्ती, लचक, इसी तरह से सैलानियत, कसाफत, हल पजीरी और शफाफियत, ये जो है तो मादे की खसूसियात है। तो सात खसूसियात अभी हमने पढ़ा है मादे की। सबसे पहली खसूसियत हमने उसकी पढ़ा था, दूसरी सख्ती, लचक, सैलानियत, कसाफत, हल पजीरी और शफाफियत, ये सात खसूसियत जो है तो मादे की है। हम लोग चलिए अपने टाइम कब है तो दूसरे सबक के अगले हिस्से जानिब बढ़ते हैं। तस्वीर में हमको कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जैसे हमको बर्तन दिखाई दे रहे हैं, हमको जो है तो सोने से कुछ, सोने का कुछ बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, सोने की एक दिखाई दे रही है, लोहे की कोई चीज दिखाई दे रही थी। बर्तन है, लोहा, ये जो है तो सोने की ईटे हैं, लोहे का टुकड़ा है, ये कुछ चीजों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? कुछ चीजों से मिलकर बनी है। इन अशिया को या इन अशिया के ग्रुप को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अशिया के ग्रुप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम जैसी अशिया को हम लोग धातु कहते हैं। और हमको ये पता है कि धातें जो होती है वो मादनियात की शक्ल में जमीन के अंदर पाई जाती है, जमीन के अंदर जो है तो उसको, जमीन के अंदर से जो है तो उसको निकालते हैं। ठीक है, और जमीन जो है तो मादनियात जमीन खोद कर निकाली जाती है, उन पर मुख्तलिफ किस्म के अमाल करके, मुख्तलिफ किस्म के उन पर प्रोसेस करके उनको जो है तो साफ किया जाता है। उनमें से जो कसाफतें होती है, उसमें से जो गंदगियां होती है, उसको जो है तो दूर किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के अमल करके जब धातें जो है तो हासिल की जाती है, वो एक अलग प्रोसेस है। रोजमर्रा की जिंदगी में धातुओं के हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। धातुओं की कुछ खसूसियात एक जैसी होती है, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी खसूसियात है धातुओं की। हम धातुओं की खसूसियात पढ़ने वाले हैं कि कौन सी उसकी जो है तो खसूसियात है। ठीक है, तो धातुओं की सबसे पहली खसूसियात है वर्क पजीरी। ठीक है, तो धातु जो होती है, धातु की पहली खसूसियात है वर्क पजीरी, यानी कि वो वर्क पजीर होती है। वर्क पजीर होती है मतलब उनकी, उनका बारीक जो है तो पतला जो है तो वर्क बनाया जा सकता है। यानी धातुओं को किसी हथौड़े से जर्ब लगाते रहे तो बगैर टूटे पतरे यानी वर्क में तब्दील होता है। पतला आपने जो है तो सिल्वर पेपर यूज किया होगा, उसमें हम लोग खाना वगैरह जो होता है, टिफिन वगैरह जो है तो रैप करते हैं, रैप पेपर जिसको कहते हैं, तो सिल्वर पेपर भी जो है तो होता है तो उसमें उसको, वो भी जो है तो बिल्कुल जो है तो पतला होता है, धातु से बना होता है। उस पर बहुत हथौड़े से या किसी और दूसरे मशीन से उसको बहुत प्रेस किया जाता है, वो बीच में से टूटता नहीं है। तो धातु की इस खसूसियात को जो है तो हम वर्क पजीरी कहते हैं। ठीक है, धातु की अगली खसूसियात जो है तो हम लोग देख रहे हैं। तस्वीर में आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तारों की तस्वीर दिखाई दे रही है, तार है, तांबे के तार दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो धातुओं को खींच कर यानी उनको जो है तो उन पर मुख्तलिफ प्रोसेस करके, मुख्तलिफ अमल करके उनको खींचा जाता है मशीनों के जरिए से, और उसके तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं की दूसरी खसूसियत ये है कि वो तारीर होती है, यानी कि जो है तो उनसे, उनके जो है तो तार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? उनके तार बनाए जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम वगैरह जो है तो ये जो है तो सब तारों से जो है तो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से धातु तो धातु है तो भरती की मौसील होती है। भरती मौसील हो मतलब क्या कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। हम लोग जैसे ही फैन का बटन स्टार्ट करते हैं, फैन चालू हो जाता है, फैन स्टार्ट हो जाता है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि धातु जो होती है वो बर्क की जो है तो क्या होती है, बर्क की मौसील होती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है तो गुजर सकती है।
दांतों की उस खुशियत को बर्क की मौसलियत या बर्क गुजारी भी जो है तो कहा जाता है। ठीक है, तो ये धातुओं की एक खसूसियत। आपने तार वगैरह अपने घर में देखा होगा, तार तार होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक के जो सप्लाईज जो होते हैं उसमें तारों का इस्तेमाल जो है तो किया जाता था। तो धातुओं की तीसरी खसूसियत हमने पढ़ा बर्क की मौसिल। ठीक है, तो ये धातें बर्क की मौसिल होती है, धातुओं की तीसरी खसूसियात है। चौथी खसूसियात पढ़ते हैं हम लोग, हरारत की मौसिल होती है, यानी हरारत गुजर सकती है। आपने अपने घर में देखा होगा कि हम चूल्हे पर या स्टोव पर या गैस स्टोव पर जो है तो हम लोग कोई बर्तन रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म कैसे होता है, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीर देखो, यहाँ पे तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जी सर, तो हम लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो है तो धातें जो है तो अगर हम उनको गर्म करें तो वो जो है तो हरारत एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचती है, इसको जो है तो हरारत की मौसियत कहते हैं। और जो है तो चौथी खसूसियत है धातुओं की नेक्स्ट अगली खसूसियत है धातु में चमक होती है। आपने देखा होगा सोना चांदी मुख्तलिफ किस्म की आपने धातें देखी है, हर एक धातु का एक मखसूस रंग भी होता है, उस रंग से हम पहचानते हैं उसको। तो और उसमें जो है तो एक मखसूस चमक भी होती है, यानी उसमें जो है तो एक लाइट होती है वो जो है तो चमकती है। तो धातुओं की पांचवी खसूसियत है धातुओं में चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धातुओं में आवाज या गूंज होती है। आप लोग देखते हैं कि हम स्कूल की बेल बजती है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, वो गूंज होती है। तो हम लोग बर्तन बजाते हैं, वायलन का जो है तो तार, वायलन का तार को छेड़ते हैं, तो ये सब क्या है, ये धातु से बनी होती है। और धातु की खसूसियत ये है कि धातु में आवाज होती है, यानी धातु में गूंज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है धातु के इस्तेमाल। हमने देखा है कि धातु का इस्तेमाल जो है तो गहने बनाने के लिए, तार बनाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के और खेती के औजार वगैरह बनाने के लिए, घर में के हमारे जो इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के लिए जो है तो किया जाता है। तो धातुओं के जो है तो बहुत सारे इस्तेमालात हैं। कुछ इस्तेमालात मैंने आपको यहाँ पर बताया, वैसे हम लोग जो है तो रोजमर्रा जिंदगी में धातुएं हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो धातुओं की खसूसियात, छह खसूसियात हमने पढ़ा है। धातें वर्क पजीर होती है, धातें तार पजीर होती है, धातुओं से जो है तो तार बनाए जाते हैं, धातुओं के वर्क बनते हैं। तीसरी खुशियात पड़े बर्क गुजार, यानी धातें बर्क गुजार होती है, धातों में से जो है तो इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। चौथी खुशियात पड़े हमने हरारत की मौसिल होती है, यानी उसमें से हरारत गुजर सकती है। ठीक है, धातें चमकदार भी होती है, उसका एक मखसूस रंग होता है। आपने सोना चांदी वगैरह देखा होगा, हर एक का अपना एक रंग होता है, गूंज। हमने आखिरी खुशियात पढ़ा उसकी कि धातें जो है तो धातों में एक मखसूस आवाज होता है, धातें जो है तो गूंजती है ना। कोई बर्तन गिर जाए फौरन, है ना, हम लोग सो रहे हों और जो है तो बर्तन गिर जाए किचन में तो क्या होता है, हम लोग फौरन जो है तो खड़बड़ा कर उठ जाते हैं। तो धातुओं में जो है तो किस्म की गूंज भी होती है। ठीक है, तो इसे हमेशा जहन में रखना है कि ये बात पढ़ते टाइम सबक थोड़ा हमारा खत्म होने की कगार पर है, थोड़ा ही बाकी है। तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है कि बारिश के दौरान खुले तारों को ना छुएं और बिजली का इस्तेमाल जो है तो बहुत ही एहतियात से करें। जब जरूरत हो तभी जो है तो बिजली के लाइट या मुख्तलिफ आलात के बटन जो है तो हमको जो है तो बंद रखना है, मसलन टीवी रिमोट वगैरह के जो है तो बंद किया यानी बात उसका बटन भी बंद करना है। ऐसा नहीं कि बस हमने जो है तो रिमोट से बटन बंद कर दिया, ऐसा नहीं, वो बंद नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मेन बटन भी बंद करना चाहिए। और बिजली की बचत भी होती है। और मखसूस कुछ दिनों बाद जो है तो हमको घर के जिम्मेदारों को मकान की वायरिंग की जांच करने के लिए भी लिया जो है तो हमको कहना चाहिए कि कहीं से कोई तार कटा या फटा ना हो, ताकि मुमकिन खतरे को हम लोग टाल सके। हमने इससे क्या सीखा कि पूरे सबक से हमने सीखा कि ठोस मायع गैसीय मादे की तीन हालतें हैं। थर्मामीटर के जरिए से शय कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसकी पैमाइश की जा सकती है। मादे की हालत में तब्दीली हरारत की वजह से होती है। और ये पढ़ा हमने कसाफत, सख्ती, फूटकपन, मौसलियत, हलपजीरी, शफाफियत और लचक मादे की खसूसियात है। और धातु जो है तो ये अशिया का एक ग्रोह होता है।
धातुओं की भी खुशियत पढ़े हमने कि धातु वर्क पजीर होती है, तार पजीर होती है, धातु में से बिजली गुजर सकती है, धातु में से हरारत गुजर सकती है, धातु में रंग होता है, धातु की एक अलग गूंज होती है, ये जो हमने इस सबक में पढ़ा था। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे उसका जो है तो जवाब चाहिए आप लोगों से। पानी, शीशा, चौक, लोहे, गेंद, शकर, नमक, आटा, कोयला, कलम, रोशनी, साबुन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसकी हम लोगों को कुछ जो है तो खुसूसियात पता है, ठीक है। जैसे पानी खुसूसियात क्या है, पानी खुसूसियात क्या है कि पानी जो है तो क्या होता है, पानी जो है तो वो माए होता है, बराबर है। पानी क्या होता है, माए, माए होता है। ये पानी की खुशियात है, शीशे की खुशियात हमको पता है, शीशे की खुशियात क्या है, माए की माए माए, ठीक है माए। दूसरा शीशे की खुशियात कौन बता सकता है मुझे? टीचर सर स्क्रीन में फोटो नहीं आ रही है, ठीक है बेटे, फोटो सर स्क्रीन में फोटो नहीं आ रही है। बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, हाँ सर। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ चलिए, ठीक है, मुझे बताइए इसमें से शीशे की क्या खुशूसियत है? जो जो बच्चे हाथों पर, साहिल साहिल बोलो, बाकी बच्चे जो है तो अपना हाथ नीचे रखो, जिनको जवाब जवाब वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। गुलाम वारिस बोलो, ठीक है, वेरी गुड। साहिल बोलो बेटा, साहिल बोल सकते हैं, मैं आप लोगों को एक होमवर्क, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। जो खुशूसियात है मालूम भी नहीं था तो अच्छा की खुशियात हमको जो है तो बताना है। मार्केट की खुशियात और कांच की खुशियात, सफातियत, ये जो है तो आप लोगों को बहुत दे रहा हूँ, और आपको जो है तो इसकी खुशियात अपने घर पर मस्त की बातों की खुशियात है, ये तंदीर और वादे की खुशियात का नाम तंदीर। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बड़े गौर से बड़े इत्मीनान से सर आप आवाज नहीं सुना रही, आप लोगों ने जो है तो बड़े इत्मीनान के साथ आवाज आ रही है।